नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मैं एक लाइव टेस्ट करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मेरे पास ये जो बैग है, इस बैग को मैं अपने इस ओला के डिक्की में डालने वाला हूँ, जो कि है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ओला के स्कूटर में मैंने पहले अपना चार्जर भी रखा है। ये जो चार्जर है, इसका 3 पिन कुछ इस तरह से आता है। तो इसको मैं इसके अंदर पैक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है, इसके बाद ये मेरा बैग है, काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। इस बैग के अलावा यहाँ पर मैंने ये बड़ा सा रेनकोट, एक क्लॉथ, एक पोस्टर बैनर और इसे लैपटॉप बैग को लैपटॉप के साथ इस ओला की डिक्की में मैं डाल रहा हूँ, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा सामान, ये पूरा का पूरा इस गाड़ी में आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस ओला स्कूटर में पूरी तरह से इस बैग को रख लिया है। और यहाँ पर इस हैंडल पे मैंने ये एक वाटर बोतल भी लटकाया हुआ है। ये 2 लीटर का बोतल है, क्योंकि बड़ा है तो मैं इसे इस स्पीकर के यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर नहीं डाल सकता। ये इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से है। इसके अलावा मैं अपना ये ओला का जो हेलमेट है, इस हेलमेट को भी ले जाने वाला हूँ अपने इस गाड़ी में। तो ये कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं इसका जो नंबर प्लेट है पीछे का, ये ग्रीन नंबर प्लेट है, क्योंकि ये बैटरी की गाड़ी है। अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 5,329 किलोमीटर्स ऑल टाइम रन कर लिया है इस गाड़ी को। तो अगर आपको इस गाड़ी के ऑल टाइम रन बा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आपको कुछ जानना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यहाँ पर देखते हैं, तो अभी ये गाड़ी जो दिखा रही है 96% ये चार्ज है, 40 डिग्री इसकी बैटरी का टेम्परेचर अभी चल रहा है। और आज का ये डिस्टेंस जो ये टोटल कवर कर चुका है, आज इसकी टॉप स्पीड रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की, और 63 किलोमीटर आज मैंने इसे रन किया है। एवरेज स्पीड 28 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया है इसे। तो ये कुछ इसका इंटरफेस है। अब जो बात आती है कि अगर मैं इस गाड़ी को रिबूट करता हूँ, तो क्या मुझे ये पूरा 96% बैटरी ही दिखाएगा? और ये जो रेंज है 131 किलोमीटर का, मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं इस गाड़ी में 131 किलोमीटर अभी चल सकता हूँ। तो मैं इसको तुरंत रिस्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये सच्ची में 130 किलोमीटर मुझे दे सकता है। तो रिस्टार्ट करने का ऑप्शन जो है, यहाँ पर जो ये बटन है, इस बटन को, और यहाँ पर जो ये रिवर्स बटन है, या फिर आप इसे क्रूज़ कंट्रोल का बटन कह सकते हैं, इन दोनों को एक साथ दबाना पड़ता है। तो मैं इसे दबाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये रीस्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैंने मेरे एक हाथ पे कैमरा पकड़ा हुआ है, तो अभी देखते हैं कि इसका अभी रेंज क्या आया है। तो ये ऑन हो चुका है और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये अभी मुझे 133 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है नॉर्मल में। अगर यहाँ पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं नॉर्मल स्पीड में से चलाता हूँ
तो 133 किलोमीटर का रेंज मुझे दिखा रहा है। स्पोर्ट्स मोड में 117 किलोमीटर और हाइपर मोड में 93 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अभी इसका जो बैटरी चार्ज परसेंटेज है 98 हो चुका है और 39 डिग्री अभी भी टेम्परेचर दिखा रहा है। तो आप इसका अगर देख सकते हैं कि डिस्टेंट ट्रैवल मैंने जब से मैंने परचेज़ किया है तब से इस गाड़ी ने ट्रैवल किया है 5329 किलोमीटर्स। जी हाँ दोस्तों, मेरा 5329 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो चुका है इस ओला के स्कूटर के साथ। तो अगर आप देख सकते हैं इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन मुझे अभी तक मिला है ये है 1.0.16, ये कुछ इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके बारे में और भी जानकारियाँ या आपके कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।